हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विश्वजीत सूत्रधर। आज एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक साल पहले एक वीडियो अपलोड किया है, टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लेकिन अभी जो वीडियो होगा, क्योंकि जो कोर्स है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आजकल ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, है ना। एकदम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का 20 क्वेश्चन ऐसा ढूंढ के लाया हूँ जो बिल्कुल एकदम अलग है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को दबाएँ, ताकि ऐसे ही धुरंधर वीडियो आपको मिलता रहे। और देखिए, क्लास 10 में अगर आप हो, अगर इसको सब्सक्राइब करते हो, तो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए मतलब अगले 2-3 साल का आपका टेंशन ही नहीं है। एकदम यहाँ पर ज़बरदस्त नोट्स आपको मिलता चला जाएगा, क्लास 11 भी 12 भी, ठीक है। और आगे जाके हम डिग्री, मास्टर डिग्री भी करेंगे, ठीक। तो चलो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, हु वाज हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी कौन था? हॉरेस डेनबी वाज ए 50 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड मैन। हॉरेस डेनबी का उम्र 50 साल है और एक अनमेरिड मैन है, उनका शादी नहीं हुआ है। हु लिव्ड एलोन विथ हिज सर्वेंट, वो एक सर्वेंट के साथ रहता है। एंड वर्कड एज ए लॉक मेकर, और वो चाबी वाला है, ठीक है, चाबी बनवाता है, ठीक। छोटा सा है, 1 मार्क का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हॉरेस डेनबीज हॉबी। हॉरेस डेनबी का हॉबी क्या है, उनको क्या करना अच्छा लगता है। हॉरेस ओनली हॉबी वाज टू रीड एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, उनको पुराना और कीमती जो किताबें होते हैं उनको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ही कीमती कीमती जो किताबें होते हैं ना, हज़ारों रुपया का, 10,000-20,000 रुपये का किताब, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल हिज हॉबी। और जो कि उनका किताबें पढ़ना, बहुत कीमती किताबें पढ़ना उनका हॉबी है, और उन हॉबी को वो कैसे मैनेज कर पाते थे, क्योंकि वो तो एक लॉक मेकर था, तो कैसे मैनेज करते थे, किताब कैसे पढ़ते थे वो। ही यूज़ टू रॉब ए सेफ एवरी ईयर, हर साल वो रौबारी करते थे, चोरी किया करते थे, ठीक है, कोई भी खजाना वो चोरी करते थे, इन ऑर्डर टू अरेंज मनी फॉर हिज बुक, फॉर हिज हॉबी, उनके हॉबी के लिए, वो पैसा जमा करने के लिए, ताकि वो कीमती किताबें खरीद सके। इसके लिए हर साल एक बार वो चोरी करता था, हर रोज़ नहीं, साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था अमीरों के घर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि गरीब अमीर नहीं देखता था, वो सिर्फ अमीर के घर चोरी करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, द लेडी और हॉरेस। तो देखिए, इस स्टोरी जो है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें रियल कल्प्रिट कौन है, ठीक है। यहाँ पर रियल कल्प्रिट जो अपराधी है वो कौन है, लेडी है या फिर हॉरेस है, आप सभी को पता ही है वो लेडी है ना कल्प्रिट। इन दिस स्टोरी द रियल कल्प्रिट इज़ द यंग लेडी, जो यंग लेडी है वो रियल कल्प्रिट है, ठीक है। शी मैनेज्ड टू ट्रिक हॉरेस फॉर ब्रेकिंग द सेफ फॉर हर, तो उस लेडी ने ऐसा ट्रिक लगाया कि हॉरेस उस जो सेफ है, खजाना है, उसको तोड़ दिया उस लड़की के लिए। एंड इवेंचुअली पुलिस अरेस्टेड हॉरेस, और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो हॉरेस डेनबी को पुलिस पकड़ लेते हैं, उस लेडी को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो ही लेडी कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस को, उसका फिंगरप्रिंट मिल जाता है सेफ में, है ना। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। आप क्या समझते हैं इस फ्रेज को पढ़ के, ऑनर अमंग थीव्स, मतलब चोरों के अंदर क्या है, विश्वास। चोरों के अंदर भी विश्वास होते हैं ना, चोरों का भी एक ऑनर होते हैं, एक दूसरे का नाम नहीं लेते चोर, ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं ऑनर एमंग थीव्स। देखिए, इट मीन्स दैट थीव्स हैव देयर कोड ऑफ कंडक्ट, चोरों के बीच में एक कोड होते हैं। वन थीव इज ऑनेस्ट टू द अदर थीव, मतलब एक चोर दूसरे चोरों के और क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, विश्वासी होते हैं। एक चोर दूसरे चोरों का नाम नहीं बताते अगर पुलिस के हाथ पकड़ गए तो। दे नेवर बिट्रे वन अनदर, वो एक दूसरे के प्रति विश्वासघातकता नहीं करते, धोखा नहीं देते, एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देते। लेकिन इस स्टोरी में हमने ये देखा कि
जो यंग लेडी है वो भी चोर थी, उसने हॉरेस को धोखा दी थी। तो इसीलिए हॉरेस डेनवी ने कहा कि ऑनर एमंग थीप्स का ये जो विश्वास है, चोरों के अंदर जो विश्वास है वो टूट चुका है, वो अभी किसी पर विश्वास नहीं करता है। देखिए, डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट हॉरेस टू बी कॉट आफ्टर द थेफ्ट, जो यंग लेडी है क्या यंग लेडी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि हॉरेस विन भी पकड़ा जाएगा, हॉरेस डेन भी पकड़ा जाएगा, ठीक है, ये कभी सोचा है, सोचा होगा क्या वो यंग लेडी? बिल्कुल सोचा होगा, क्योंकि वो भी तो चोर थी ना, वही कंप्लेन कर दी थी चोर को, पुलिस को, कि हॉरेस डेन भी ने चोरी किया है, मैंने जाते हुए देखा ऐसे ही, है ना, आप चाहिए तो फिंगरप्रिंट देख लीजिएगा। यस द यंग लेडी एक्सपेक्टेड हॉरेस टू बी कॉट आफ्टर द थेफ्ट, ठीक है, शी थॉट दैट इट वुड बी वेरी इजी टू डिटेक्ट हॉरेस विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो उस लेडी को तो मालूम था ही, जो हॉरेस तो पहले तो हैंड ग्लोव्स पहनकर आए थे, लेकिन जब उस लेडी ने ट्रिक लगाया, हॉरेस डेन भी सोचा कि ये जो लेडी है इस घर की मालकिन है, तो उन्होंने अपने ग्लोव्स उतार दी और बिना ग्लोव्स के सेफ को खोला, खजाना को खोला, और पूरा का पूरा ज्वेलरी यंग लेडी को दे दी। तो फिंगरप्रिंट ऐसे करके रह गया, और वो लेडी को तो पता ही था, अगर पुलिस को बोल दूँ कि हॉरेस डेन भी का फिंगरप्रिंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो धोखा दे दिया, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिजीज डिड हॉरेस डेनवी सफर फ्रॉम, हॉरेस डेनवी का क्या बीमारी थी? हे फीवर, उसको बुखार था, ठीक है, हे फीवर मतलब उसको एक एलर्जी था, हे फीवर एक एलर्जी है, फ्लावर अगर उसके सामने आ गया तो वो स्नीजिंग करेगा, ठीक है, सिर्फ स्नीजिंग करेगा। व्हाट डिड हॉरेस डेनवी स्टील एवरी ईयर, हर साल वो क्या चुराता था? हॉरेस डेनवी ज्वेलरी चुराता था हर साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग वेयर द ओनर्स ऑफ द हाउस गॉन टू लंडन, जो घर की जो मालिक है वो लंदन गए थे कितने समय के लिए? कम से कम एक हफ्ता के लिए गए थे, ठीक है, ए वीक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, उस घर में एक डॉग रहता था, उस डॉग का नाम क्या है? शेरी थे, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस हॉरेस डेनवी वेंट टू रॉब, हॉरेस डेनवी जो गया था चोरी करने के लिए, उस घर का नाम क्या था? शूट ओवर ग्रेंस, मतलब घर कहाँ पर था, है ना, घर का नाम क्या था? शूट ओवर ग्रेंस, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, किसी का ध्यान ही नहीं जाता इसके ऊपर, ऑथर के ऊपर सिर्फ दूसरा पढ़ने लगता है ना, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का ऑथर कौन है, लिखा किसने है? विक्टोर कैनिंग ने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द प्रोटागोनिस्ट, मतलब हीरो, ठीक है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का प्रोटागोनिस्ट कौन है, हीरो कौन है? हॉरेस डेनवी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द सेफ हाइडन, जो सेफ है, खजाना है, वो कहाँ पर छिपा हुआ था? एक पेंटिंग के पीछे, है ना, आंसर है बिहाइंड पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम पे एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था सेफ, खजाना। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड हॉरेस डेनवी कम टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ द सेफ, वो जो सेफ खजाना कहाँ पर है इसके बारे में हॉरेस डेनवी को कैसे पता चला? डायरेक्टली रूम में जाके तो वो खजाना उसको ढूंढना पड़ता, इतना जल्दी जल्दी उसको खजाना क्यों मिल गया? देखो आंसर है ए मैगजीन आर्टिकल मैंशनड द लेआउट ऑफ द हाउस, एक मैगजीन में आया था, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था उस घर के बारे में, और खजाना कहाँ कहाँ पर रखा है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उस मैगजीन में छपा था, ठीक है। लेआउट ऑफ द हाउस एंड रोट अबाउट द सेफ फ्रॉम द आर्टिकल ही न्यू द पोजिशन, तो उसी आर्टिकल से हॉरेस डेनवी को पता चल गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेंट प्रोफेशन ऑफ हॉरेस, तो हॉरेस डेनवी का करेंट प्रोफेशन क्या है, अभी हॉरेस डेनवी क्या करता है? अभी वो जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, तो जेल में क्या करते हैं वो? लाइब्रेरियन थे, क्योंकि उनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो वहाँ पर भी जाके उनको अच्छा काम ही मिल गया, किताबें पढ़ना, ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, मतलब हॉरेस किससे एलर्जी था, हॉरेस डेनवी का किससे एलर्जी था? फ्लावर से एलर्जी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु स्पोक टू हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी से किसने बात किया? ए यंग वुमेन प्रिटेंडिंग टू बी द लेडी ऑफ द हाउस स्पोक टू हिम,
मतलब एक यंग लेडी जो अपने आप को उस घर की मालकिन बोल रही थी वही बात कर रहा था हॉरेस डेनबी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वाज हॉरेस डेनबी ऑनेस्ट? क्या हॉरेस डेनबी एक विश्वासी आदमी थे, ऑनेस्ट थे? ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरा का पूरा ऑनेस्ट नहीं था। एज ही यूज टू स्टील, उस वो तो चोरी करता था, ठीक है, एक साल में चोरी करता था किताबें पढ़ने के लिए, लेकिन चोरी तो बुरी बात है ना, उसमें अच्छाई भी है कि किताबें पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ना अच्छी बात है, तो वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ठीक है। नाउ कुछ लास्ट क्वेश्चन, और एक ही बात बोलूँगा, BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाए, BS ट्यूशन क्लासेस लिखा है ना यहाँ पर, BS ट्यूशन क्लासेस, वही टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हॉरेस स्टडी द हाउस? हॉरेस डेनबी घर के बारे में स्टडी क्यों किया? क्योंकि उनको चोरी करना था, है ना। ही स्टडीड इट टू थेफ्ट द हाउस, उस वो घर को चोरी करना चाहता था, इसके वजह से उसने घर के बारे में अच्छे तरह से स्टडी किया, यही कारण है, ठीक है। अगर कई किसी जगह पर आप जाना चाहते हो तो उस जगह पर अच्छे तरह से स्टडी करना चाहिए, तभी जाके वहाँ पर अच्छे से रह पाओगे, है ना। बस ठीक है, इतना सा है, और नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या चाहिए आपको मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी लाऊँगा आपके लिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।